हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? समय आ गया है जब पुरुषोत्तम का पवित्र महीना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अधिक मास चल रहा था और 16 जून को अधिक मास का ये पवित्र महीना पूर्ण होने वाला है। बहुत ही सालों के बाद, 19 सालों के बाद ये खूबसूरत पवित्र महीना आषाढ़ महीने में आया था। और आपको मैं बता दूँ दोस्तों, गुरुवार को आषाढ़ का ये अधिक माह समाप्त हो रहा है। इस बार का अधिक माह बहुत ही विशेष संयोग में आया था और अब इसके बाद 2034 में सीधा ये अधिक माह आएगा। हम में से कुछ लोग शायद होंगे भी नहीं। और यहाँ दोस्तों, 2018 में 16 मई से 13 जून तक जेठ का अधिक मास हुआ है। आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में अधिक माह को हम बहुत ही पवित्र और पुण्य फल देने वाला मानते हैं और पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने का विशेष महत्व आता है। श्रीमद् भागवत की कथाएं सुने, मंत्र जप करें, तप करें, तीर्थ यात्रा करें। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और अधिक माह में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, इस तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। क्यों आता है अधिक मास? 32 महीने 16 घंटा और 36 मिनट के अंतराल से हर तीसरे साल अधिक माह आता है। ज्योतिष में इसे चंद्र मास यानी कि 354 दिन व सौर मास 365 दिन का मानते हैं। इस कारण हर साल 11 दिन का अंतर आ जाता है, जो 3 साल में माह से कुछ ज्यादा हो जाता है। चंद्र और सौर मास के अंतर को पूरा करने के लिए धर्म शास्त्रों में अधिक माह की व्यवस्था की गई है। यानी आपको समझ आया, जो हम इंग्लिश का कैलेंडर होता है उसको जब हम बोलते हैं तो कितने दिन होते हैं? 365 डेज। लेकिन हिंदी में जब हम देखते हैं तो 354 डेज का एक साल होता है। इसलिए 3 साल में 33 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसको मेकअप करने के लिए धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि ये एक मलमास आता है। महर्षि वाल्मीकि ने अधिक मास के नियमों के संबंध में कहा था कि इस महीने में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, शहतूत, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, हरे पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मांस, शहद, चावल का माड़, चौलाई, उड़द, प्याज, लहसुन, नागर मोथा, गाजर, मूली, राई, नशे की चीज़ें, दाल, तिल का तेल और दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गाय का दूध, चमड़े में रखा हुआ पानी और केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न दूषित माना गया है, इसलिए इनका भी त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए पुरुषोत्तम महीने में? जमीन पर सोना, पत्तल पर भोजन करना, शाम को एक टाइम खाना, रजस्वला स्त्री से दूर रहना, बुरे लोगों से संपर्क नहीं रखना, किसी भी व्यक्ति के से बेवजह विवाद में नहीं पड़ना। यदि कोई हमसे विवाद करना चाहता भी है तो वहाँ से चले जाना चाहिए। देवता हो, वेद हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, साधु संन्यासी हो, स्त्री हो, बड़े लोगों की बुराई और उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए अधिक माह को कहते हैं पुरुषोत्तम मास। दोस्तों, ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार जब सबसे पहले अधिक मास की उत्पत्ति हुई तो स्वामी रहित होने के कारण देवताओं और पितरों की पूजा के लिए और शुभ कामों के लिए अधिक माह को वर्जित माना गया था। इसी कारण सभी ओर उसकी निंदा होने लगी। निंदा से दुखी होकर के अधिक माह भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। तब भगवान विष्णु अधिक माह को लेकर के गोलोक गए और वहां भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट और वैजंती माला धारण करके सोने के सिंहासन पर बैठे थे। भगवान विष्णु ने अधिक माह को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह अधिक माह वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब से कोई भी अधिक माह की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि अब से मैं इसे अपना नाम देता हूँ। ये जगत में पुरुषोत्तम माह के नाम से विख्यात होगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम माह में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अधिक माह पुरुषोत्तम माह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान पुरुषोत्तम भक्ति का समय है। अधिक माह धर्म ग्रंथों के अनुसार अधिक माह को भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम दिया है, इसलिए इस माह में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करना विशेष महत्वकारी होता है।
आपको सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके शौच स्नान संध्या आदि करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और नियम ग्रहण करने चाहिए। नियम में क्या है, सबसे ज़्यादा आप तीर्थ करें, घरों मंदिरों में जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो सकती है वहाँ करें। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने का विशेष महत्व आता है और भगवान की कृपा से देश तथा विश्व का मंगल हो, गाय ब्राह्मण और धर्म की रक्षा हो, इसके लिए व्रत नियम का आचरण करते हुए दान पुण्य और भगवान की पूजन आपको करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास के संबंध में धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है, ये ना हम अर्चितो भक्तया मासे अस्मिन पुरुषोत्तमे धना पुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चाद गोलोक वास भाग। पुरुषोत्तम माह में नियम से रहकर पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्ति से पूजा करने वाला यहाँ सब प्रकार के सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद दिव्य गोलोक में निवास करता है। आपको मैं बता दूं, अधिक माह में अनेक नियमों का पालन किया जाता है, ईश्वर की आराधना की जाती है। धर्म ग्रंथों में कई ऐसे श्लोक बताए गए हैं जिनका जप करके अगर पुरुषोत्तम माह में किया जाए पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम माह में आपको बहुत सारे दान करने चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में हर महीने किसी विशेष वस्तु के दान के बारे में बताया गया है और पुरुषोत्तम माह चल रहे दोस्तों पूर्ण होने वाला है और इसके स्वामी मधुसूदन है और इस महीने में अगर आप मालपुआ दान करते हैं तो ये हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही विशेष बताया गया है। विष्णु रूपी सहस्त्र आंशु सर्व पाप प्रणाशनः अपुपान प्रदानेन मम पापम वैपोहतु। हिमाद्री में बताया गया कि अधिक मास होने पर गुड़ घी मिले हुए चावल आदि के आटे से बने मालपुए बना करके अगर आप गरीबों को दान करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। इस माह में द्वादशी तिथि को अन्नदान का विशेष महत्व है और थोड़े से भी दान से महान फलों की प्राप्ति होती है और अगर एक छोटा सा काम आप कर लेते हैं तो माना जाता है घर में दरिद्रता हट करके महालक्ष्मी का सदा निवास हो जाता है। प्राचीन काल से हमारे घरों में परंपरा है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए और शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो के बिगनिंग में आपको बताया कि जो लोग के घर पे भी तुलसी नहीं है वो ज़रूर ले आए, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। अधिक माह पूर्ण होने के पहले घर में एक तुलसी का पौधा आपके ज़रूर होना चाहिए और सुबह शाम उसको आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सुबह के समय आप उसमें जल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और शाम को एक दिया घी का तुलसी के सामने खड़े होकर के आपको जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों तुलसी बहुत ही पूजनीय पवित्र और देवी स्वरूप है, लक्ष्मी माता की सहेली मानी गई है, इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास सदा ही माना जाता है। यदि आप ये बातें ध्यान रखते हैं तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके घर पर बनी रहती है और घर का वातावरण सकारात्मक और सुखद बना रहता है। कभी भी पैसों की कमी नहीं आती घर में और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखें दोस्तों, रोज आपको तुलसी का पूजन करना है और शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगा करके आपको फेरियां लेनी चाहिए, कम से कम 4 या 7 फेरी लें। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नज़र प्रभावित नहीं करती, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वो सक्रिय नहीं हो पाती और सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, पौधा अगर सूख जाए या सूखने लगे तो उसका विशेष ध्यान रखें। कुछ लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारे घर पे तुलसी का पौधा सूख जाता है, ऐसे में दोस्तों आपको नई मिट्टी ला करके, फ्रेश मिट्टी आप जिस नर्सरी से कहीं प्रॉपर जगह से लेके आएँ और वहाँ से नई मिट्टी डलवा करके अच्छे से लाएँ, या फिर अगर पुरानी मिट्टी है तो उसमें खाद आदि डालें और ध्यान रखें हर 15-20 दिन में नीचे की मिट्टी ऊपर आपको उल्टी पुल्टी ज़रूर करनी चाहिए। पानी अगर जॉइंट फैमिली है और सभी लोग पानी एक छोटे से तुलसी के पौधे को भर भर के देते हैं तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, सभी लोग को थोड़ा थोड़ा जल देना चाहिए और अगर आप थोड़ा जल देते हैं तुलसी के पौधे में तो आपको ज़्यादा जल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से अगर तुलसी का पौधा आपको ईस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ की डायरेक्शन में रखना चाहिए, यानी पूर्व या
उत्तर में रखना चाहिए। और अगर आप इस तरह से मेंटेन करते हैं, जैसे बहुत कड़ी धूप आती है तो उसके ऊपर एक हरे रंग का जो पतला कपड़ा होता है या कोई चुनरी हो उसको उड़ा कर रखें, ताकि ज़्यादा गर्मी से तुलसी का पौधा मर ना जाए। इसलिए दोस्तों, जैसे हम एक देवी की केयर करें या कोई भी माता रानी की केयर करें, इसी प्रकार से आपको चुनरी आदि से ढक के सुंदर से उनको रख करके आपको पूजन करना चाहिए। इससे हमेशा तुलसी हरी भरी रहती है। दोस्तों, यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा इसके बाद भी सूख जाता है बार बार, तो समझ ले कि आपके घर पे बार बार विपदाएं आ रही है और तुलसी आपके घर पर अपनी वो सारी विपदाएं खुद के ऊपर ले रही है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, तुलसी का पौधा मरता है तो समझ लेना चाहिए, सब कुछ केयर करने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो कोई विपदा आपके घर से टल रही है। ऐसे में आपको तुरंत उसको हटा करके दूसरी तुलसी ले आनी चाहिए। पुरानी तुलसी को आपको जब सूख जाए तो उसे किसी नदी में या तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर दें, और क्योंकि सूखा हुआ तुलसी का पौधा रखना अशुभ माना जाता है। अगर आप नहीं कोई इस तरह की जगह है तो आप पीपल के नीचे रखाएं, आप तुलसी का पौधा किसी खाली ज़मीन पर फेंक दें। दोस्तों, दूसरी तुलसी का पौधा आप ले आए, इससे घर में स्वस्थ तुलसी का पौधा हमेशा लगा के रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही आयुर्वेद में भी इसे संजीवनी बूटी मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो बीमारियों को दूर रखते हैं, उनकी रोकथाम करते हैं, और तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले काफ़ी सारे सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करती है। तुलसी की सुगंध हमें सांस संबंधी कई रोगों से बचाती है। तुलसी का एक पत्ती का सेवन आपको रोज करना चाहिए। इससे कोई भी तरह के बुखार आदि अगर होते हैं तो उससे इंसान बना रहता है। मौसम परिवर्तन के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव होता है, और तुलसी के पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। दोस्तों, हमें नियमित रूप से तुलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और ध्यान रखें शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में आपको नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे एकादशी हुई, रविवार हुआ, सूर्य या चंद्र ग्रहण काल हुआ, इस तरह से आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इन दिनों में रात के समय तो ऐसे भी नहीं तोड़ते तुलसी का पत्ता शाम के बाद, और दिन में भी इनमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपको पूजन के लिए ज़रूरत पड़े एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लें। बिना बात के, बिना उपयोग के तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है, और अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना, तुलसी को नष्ट करना पाप करने के समान माना गया है। तो दोस्तों, अधिक मास पूर्ण होने वाला है और अधिक माह में आप तुलसी का पौधा अपने घर जरूर लाएं। मैंने जिस तरीके से बताया इस तरह से मेंटेन करें, और रोज आप खत्म होने के पहले आप रोज शाम को एक माला एक दीप जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम महालक्ष्मी नमः, इस दो मंत्र की माला आप वहां बैठ करके कर ले, और फिर देखें आपकी जिंदगी में कैसा कमाल होता है। माता लक्ष्मी आपके घर पे सदा निवास करती है। महालक्ष्मी माता की विशेष कृपा आपके घर पर बरसती है, और धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण होता है। जो लोग भी बहुत ही मंदी के दौर से गुजरे, परेशानियों से गुजरे, उन सभी से इन वीडियोज को जरूर शेयर किया करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो उसके थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की, एंड जय विष्णु भगवान की। जय तुलसी मैया की।